हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। वी आर डूइंग मॉडर्न इंडिया और आज हम उसी का जहाँ छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक स्वदेशी मूवमेंट हम लोग कर रहे थे। स्वदेशी मूवमेंट एंड होता है और सूरत स्प्लिट हो जाती है, जिसमें तिलक और उनके ग्रुप को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया जाता है। अब तिलक को जेल दे दी गई थी और तिलक मांडले जेल में भेज दिए गए थे 6 साल के लिए। अब अगला मूवमेंट होगा होम रूल मूवमेंट। अब देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट से क्या क्या डेवलपमेंट हुए कि हम अगले मूवमेंट तक पहुंचे हैं, होम रूल मूवमेंट। फिर देखेंगे कि होम रूल मूवमेंट के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुए जिससे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आगे बढ़े थे। इस तरीके से दो मूवमेंट्स के बीच के जो इवेंट्स हैं वो उनकी फैक्टर्स बन जाते हैं, वजह बन जाते हैं और उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो चलिए, पहला मूवमेंट फ्रीडम स्ट्रगल का स्वदेशी मूवमेंट हम लोगों ने कर लिया था 1905 से 1908। पहली बार एक मास मूवमेंट हुआ है और स्वदेशी पे पहली बार जोर दिया गया है कि हमारे कॉलेजेस, स्कूल्स, एजुकेशन, कल्चर सबको स्वदेशी कलर दे दिया जाए और ब्रिटिश का बायकॉट किया जाए। तो ये हुआ था। इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट हुआ था। ये सब तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो हमको ये पता है कि 1908 से 1914 तक तिलक जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे उनको जेल दे दी गई है और उनको बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया है। बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया है। तिलक वॉज कैसे पार्सल्ड ऑफ टू मांडले जेल बर्मा। तब तिलक 6 साल के लिए फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट नहीं है। तिलक सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे। अंग्रेज़ जानते हैं कि तिलक यदि रहेंगे तो फिर कैसा भी मूवमेंट कभी भी स्टार्ट हो सकता है। उधर सूरत स्प्लिट के बाद तिलक को बाहर निकाल ही दिया गया था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को ही बाहर निकाल दिया है। तो तिलक को जेल हो गई है। लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, वो इंडिया छोड़ के चले जाएंगे, हालात उनके सपोर्ट में नहीं है। और उधर अरबिंदो घोष, वो कुछ समय बाद 1910 तक आते आते पौंडीचेरी में एक आश्रम सिस्टम में, मतलब एक सेंट बन जाएंगे। तो वो चारों नेता जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे, जो फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ बड़ा असर डाल सकते थे, वो किन्हीं कारणों से अब फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट नहीं है। और सबसे प्रमुख नेता तो तिलक थे, तो वो जेल में हैं। अब क्या क्या हालात इन दिनों रहेंगे वो देखते हैं स्वदेशी मूवमेंट बंद होने के बाद। तो तिलक तो जेल में है, लाजपत राय एंड अदर्स आर आउटसाइड इंडिया एंड अरबिंदो घोष इज इन पौंडीचेरी। इसी दौरान कुछ समय से पहले मुस्लिम लीग बनवा दी गई है। मुस्लिम लीग अंग्रेज़ों की मदद से, वाइसराय मिंटो की मदद से एक पार्टी बनी है मुस्लिम लीग, कांग्रेस को अपोज करने के लिए। मुस्लिम लीग कराची में या लाहौर में नहीं बनी थी, ढाका में बनी थी। मुस्लिम लीग कराची में नहीं, लाहौर में नहीं, ढाका में बनी थी मुस्लिम लीग। आगा खान इसके पहले प्रेसिडेंट हैं। तो एक कांग्रेस को अपोजिशन में एक संस्था बनवा दी गई है मुस्लिम लीग। ये 1906 में ही हो चुका था। उधर 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, अंग्रेज़ों ने भारतीयों को कुछ रिफॉर्म्स दिए हैं, क्योंकि इंडियंस को प्लीज़ करना ज़रूरी है, उनको पैसिफाई करना ज़रूरी है, मुस्लिम्स को पैसिफाई करना ज़रूरी है। तो एक स्कीम आई है, एक रिफॉर्म प्रपोजल आया है। सो देयर वॉज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मिंटो टू वॉज वाइसराय इन इंडिया। इन्होंने एक भारत के लिए रिफॉर्म प्रपोजल भेजा है जो जब पास हो जाता है तो कहलाता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। सो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वॉज पास्ड, इट बिकेम एन एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। याद होगा आपको, जब तक कंपनी का रूल था तो चार्टर कानून आया करते थे। पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर शुरू हो गए थे चार्टर कानून 1793 चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट में याद होगा आपको कंपनी की जनरल मोनोपोली खत्म हो गई थी।
1833 का चार्टर है, टाटा कंपनी की पूरी ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी। 1853 का चार्टर एक्ट आता है डलहौजी के समय में, वो आखिरी चार्टर एक्ट था। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है जिसमें कंपनी का रूल ही खत्म हो जाता है। फिर केनिंग के समय बताया था मैंने आपको 1861 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था, तो आप काउंसिल्स एक्ट आया करते हैं। फिर एक 1892 में कांग्रेस के समय आया था, अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 और बेस्ड ऑन मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजल जो आया था वो ये था कि मुस्लिम्स अपने लिए कुछ विशेष मांग रहे हैं, बल्कि मुस्लिम्स क्या मांग रहे हैं, मुस्लिम्स की फीलिंग्स को भड़काया गया है। उनको ये बोला गया है कि अगर आप अपने लिए कुछ विशेष अधिकार नहीं पाएंगे तो आप देखिए आप लोग हिंदू कम्युनिटी से काफ़ी पीछे रह जाएंगे। तो मिंटो ने समझाया है मुस्लिम्स को, और इसीलिए मुस्लिम लीग बनी भी है। तो मुस्लिम्स का एक डेलीगेशन इंग्लैंड गया है जब मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स की बात चल रही है, और उनको दिया गया है राइट टू हैव सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है, मतलब मुस्लिम्स को सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, मुस्लिम्स को नॉन मुस्लिम्स वोट नहीं करेंगे। इसका मतलब जो चुन के आएगा वो मुस्लिम होगा। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट में आपकी कुछ सीटें सुरक्षित हो जाएंगी, मतलब अब कंटेस्ट मुस्लिम्स में है और कुछ सीटें उनकी सुरक्षित हैं। और समझाया यह गया था कि अगर आपकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस होगी तो अपनी आप बात कह पाएंगे, और जिस दल के पास पॉलिटिकल प्रेजेंस होती है उसी की सामाजिक उत्थान हो पाता है। ये लॉजिक बताया था मिंटो ने। तो लीग उसी पे काम कर रही है, और लीग ने मांगा है हमको पृथक निर्वाचन का अधिकार चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि सभी लोग वोट करेंगे, सिर्फ मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स को चुनेंगे, और ये उन्होंने उनको दे दिया गया है। इस तरीके से भारत के पार्टीशन का ये आधार तय हो जाता है। तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुस्लिम्स को दिया गया है राइट टू हैव सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पृथक निर्वाचन का अधिकार। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग है, जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग है। मुस्लिम एरिया से मुस्लिम्स ही खड़े होंगे, और जो जीतेगा वो मुस्लिम होगा। इसका मतलब गारंटी के तौर पर कौन होंगे, मुस्लिम्स होंगे। तो ये दिया गया है, कांग्रेस फिलहाल इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। फिलहाल उन्होंने हिंदू मुस्लिम जो गैप जो उनके बीच में प्रॉब्लम्स हैं, डिवाइड को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया है। उधर 1911 में दिल्ली दरबार हुआ है। 1911 में इंग्लैंड का किंग जॉर्ज फिफ्थ और इंग्लैंड की रानी क्वीन मैरी ये इंडिया आए हैं जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी। 1911 दिल्ली दरबार, मैंने आपको बताया था एक दिल्ली दरबार लिटन के समय हुआ था 1877 में, रॉयल टाइटल्स एक्ट पास हुआ था जब विक्टोरिया बिकेम एम्प्रेस ऑफ इंडिया। एक कर्जन के समय हुआ था 1903 में, जब इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन हुआ है कुछ, तो वो हुआ तीसरा था ये वाला 1911 में। तीन ही दिल्ली दरबार हुए हैं, तो और ये इकलौता दिल्ली दरबार था जब किंग ऑफ इंग्लैंड केम टू इंडिया, जॉर्ज पंचम एंड क्वीन मैरी दे केम टू इंडिया, और इनके ऑनर में फिर बना है गेटवे ऑफ इंडिया। बॉम्बे में बनवाया गया है गेटवे ऑफ इंडिया, इसका आर्किटेक्ट था जॉर्ज विटेट, इसका आर्किटेक्ट था जॉर्ज विटेट। गेटवे ऑफ इंडिया बना है बॉम्बे में व्हेन दिस जॉर्ज फिफ्थ केम टू इंडिया, तो जॉर्ज फिफ्थ के ऑनर में बना है। और उधर दिल्ली में दरबार भी एक लगा है, दिल्ली दरबार भी हुआ है। अब दिल्ली दरबार का मीनिंग हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये है कि यहाँ पर जॉर्ज फिफ्थ ने बोला है कि आप लोग की डिमांड ये थी कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाए, इसलिए बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। जॉर्ज फिफ्थ ने दिल्ली में अनाउंसमेंट किया है पार्टीशन ऑफ बंगाल इज रिवोक्ड, इसका रिवोकेशन करते हैं, बंगाल अगेन यूनाइटेड, ईस्ट और वेस्ट बंगाल प्रॉपर, बंगाल प्रॉपर को जोड़ दिया जाता है, बिहार उड़ीसा अब बंगाल से अलग कर दिए जाएंगे, तो इधर दोनों बंगाल को मिला देंगे और बिहार उड़ीसा अलग हो जाएंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली दरबार बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था, तो आप बोलेंगे इट वॉज इन दिल्ली दरबार 1911, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया है, एंड कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली। अब तक कलकत्ता थी,
और दिल्ली हैड बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये दो अनाउंसमेंट हुए हैं। तो जब हम दिल्ली दरबार की बात करते हैं तो हम अपने लिए दो ही बातें मान लेंगे कि एक तो बंगाल विभाजन रिवोक हो गया है और कैपिटल की जो इंडिया की कैपिटल है वो दिल्ली बना दी जाएगी। अब नई दिल्ली का डेवलपमेंट हो जाएगा और नई दिल्ली को डिज़ाइन करने वाले एडविन लिटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, ये हैं वो जो आर्किटेक्ट हैं जो नई दिल्ली को डिज़ाइन करेंगे। तो दिल्ली के ज़्यादातर जितने इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं चीफ आर्किटेक्ट एडविन लिटियंस है और हर्बर्ट बेकर भी है। इस तरीके से दिल्ली बन जाएगी कैपिटल ऑफ इंडिया। अब दिल्ली हो गई है भारत की कैपिटल और इस समय वायसराय है हार्डिंग। तो इट वॉज इन द टाइम ऑफ हार्डिंग टू दिल्ली दरबार टुक प्लेस एंड कैपिटल ऑफ इंडिया कैलकाटा से दिल्ली हो गई है और इट वॉज हार्डिंग टू के समय दिल्ली बिकेम कैपिटल ऑफ इंडिया। और इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स डिज़ाइन हुई हैं इन दिनों, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, वायसराय पैलेस लॉज, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स, वॉर मेमोरियल, इंडिया गेट। ये बिल्डिंग्स लिटियंस वगैरह ने डिज़ाइन की हैं, पार्लियामेंट हाउस, असेंबली बिल्डिंग नाउ पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, मतलब जहां भारत सरकार के मंत्रालय हैं सारे के सारे, राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ में, राष्ट्रपति भवन के साउथ में, और वॉर मेमोरियल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जितने भी मार्टियर्स थे, अफगान वॉर के जितने मार्टियर्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं इंडिया गेट में। तो ये बिल्डिंग सब डिज़ाइन होनी और बननी शुरू हो जाएंगी। एडविन लुटियंस चीफ आर्किटेक्ट एंड हर्बर्ट बेकर ये मिलकर डिज़ाइन करेंगे, इस तरीके से बिल्डिंग्स बन जाएंगी। राष्ट्रपति भवन 1928-29 में रेडी होगा और राष्ट्रपति भवन का पहला ऑक्यूपेंट होगा वायसराय इरविन। सो अनदर क्वेश्चन, द फर्स्ट वायसराय हु लिव्ड इन राष्ट्रपति भवन वॉज इरविन। इरविन के समय ये रेडी हो जाएगा और इरविन वॉज द फर्स्ट वायसराय हु लिव्ड इन द राष्ट्रपति भवन और फर्स्ट ऑक्यूपेंट था राष्ट्रपति भवन का। दिस वे ये 1900 इस पीरियड में कुछ ये डेवलपमेंट हुए हैं। उधर ये कुछ हो जाता है, उधर भारत के बाहर कुछ इंडियंस भारत के सपोर्ट में काम कर रहे हैं और गदर मूवमेंट चल रहा है, वो हम अलग से ले लेंगे। भारत के बाहर रिवॉल्यूशनरीज हैड बीन वर्किंग एंड गदर मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन। तो ये कुछ डेवलपमेंट हुए हैं जब तक तिलक जेल में है और उधर कुछ खास डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है। तिलक और उनके साथियों को कांग्रेस से निकाल दिया गया है और उनका निकाला जाना भारतीयों को पसंद नहीं आ रहा है और वो जो मॉडरेट्स थे जो कांग्रेस को चला रहे हैं उनमें लोगों का विश्वास ज़्यादा बचा नहीं है। तो ये डेवलपमेंट हैं। इन्हीं दिनों 1914 में एक सोशल रिफॉर्मर हैं एनी बेसेंट, जो थियोसोफिकल सोसाइटी चलाती हैं मद्रास से। एनी बेसेंट जॉइंट कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है और एनी बेसेंट ने सजेस्ट किया है कि हम लोग शुरू करते हैं होम रूल मूवमेंट। उन्होंने ये बोला है कि जैसे आयरलैंड में एक होम रूल मूवमेंट चल रहा है, शी वॉज फ्रॉम आयरलैंड, थियोसोफिकल सोसाइटी वो चलाती हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी की एक सोशल संस्था है, सोशल रिफॉर्म संस्था है, उसे चलाती हैं। और उन्होंने बोला है कि हमको एक आयरलैंड में जैसे सक्सेसफुल मूवमेंट चल रहा है ऐसा भारत में चलाना चाहिए, इंडियन होम रूल मूवमेंट। बट हिज हर सजेशन वॉज रिजेक्टेड बाई कांग्रेस। कांग्रेस ने उनके सजेशन को रिजेक्ट कर दिया है, कांग्रेस अभी किसी मूवमेंट को चलाने के पक्ष में नहीं है। तो इट वॉज आइडिया ऑफ एनी बेसेंट दैट दे शुड स्टार्ट अ क्विट आई मीन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट कॉल्ड होम रूल मूवमेंट और इट वॉज बेस्ड ऑन आयरलैंड, शी वॉज फ्रॉम आयरलैंड। उधर तिलक का सेंटेंस पूरा हो गया है, तिलक भारत वापस आ गए हैं, रिलीज कर दिए गए हैं और तिलक कोशिश कर रहे हैं कि तिलक को कांग्रेस में जगह दिला दी जाए। फाइनली तिलक को कांग्रेस में जगह मिल गई है विद द सपोर्ट ऑफ एनी बेसेंट। तो विद हुज सपोर्ट तिलक एंड हिज ग्रुप वॉज अलाउड टू बी बैक इन कांग्रेस, तो आपका आंसर होगा इट वॉज बिकॉज ऑफ एनी बेसेंट। तो तिलक भारत में वापस आ चुके हैं और
फॉर्मली 1916 में सेशन हुआ है लखनऊ में, जहां पर अध्यक्ष हैं अंबिका चरण मजूमदार। 1916 का सेशन इंपॉर्टेंट है। तिलक वगैरह की इनफॉर्मल एंट्री तो हो गई है, लेकिन दोनों कांग्रेस के दल मतलब मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट साथ साथ बैठे थे सूरत के बाद 1916 के लखनऊ सेशन में। लखनऊ सेशन इंपॉर्टेंट था तो कभी कभी पूछ लेते हैं उसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। अब लखनऊ सेशन में क्या होता है, कांग्रेस के जो दो दल हैं इनके बीच में यूनिटी हो गई है, मर्जर हो गया है, अब वो विचारधाराएं ख़त्म की, ये मॉडरेट्स हैं एक्सट्रीमिस्ट हैं, पूरी कांग्रेस एक साथ हो जाती है। सो आफ्टर सूरत स्प्लिट द होल कांग्रेस सेट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन लखनऊ सेशन इन 1916। यहाँ पर ये होता है। और दूसरी बात, यहीं पर एक मुस्लिम लीग का भी सेशन हुआ है और एक लखनऊ पैक्ट साइन हुआ है। 1916 में ही एक लखनऊ पैक्ट साइन हुआ है बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस के दो दलों में नहीं साइन हुआ था, ये दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में साइन हुआ है। तिलक साइंड ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस, लीग साइंड ऑन बिहाफ ऑफ जिन्ना साइंड। तो एक पैक्ट साइन हुआ है कि दोनों हम दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए और जितनी जल्दी इंडिपेंडेंस ले लें उतना अच्छा है, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो साथ मिलकर काम करने का दोनों पार्टियों का जो फैसला था उसे कहते हैं लखनऊ पैक्ट। तो 1916 में लखनऊ पैक्ट भी साइन हुआ है, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में हुआ है, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बीच में नहीं हुआ है, हुआ उसी समय था। तो दोनों पार्टियाँ साथ मिलकर काम करने का जो फैसला करती हैं इसे कहते हैं लखनऊ पैक्ट। और जिन्ना को बोला गया एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जिन्ना को बोला गया एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये याद रखिए, किसी भी एग्जाम में आ जाएगा। इट वॉज नॉट गांधी जी हु वॉज कॉल्ड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जिन्ना को बोला गया है एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। एक अच्छा सा पैक्ट किया है दोनों पार्टियों ने और आने वाले 6 साल कुछ यूनिटी के लिए अच्छे भी माने जाएंगे कांग्रेस और लीग के। तो नॉट दिस, इट वॉज जिन्ना हु हैज बीन कॉल्ड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जिन्ना को बोला गया है। तो कुछ ये डेवलपमेंट हो जाते हैं इन दिनों 1916 में। अब वो हालात बन चुके हैं, बहुत दिन से कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, तिलक भी वापस आ गए हैं, हालात सपोर्ट कर रहे हैं, लोग भी अब बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं कि एक मूवमेंट हो जाना चाहिए। इसलिए 1916 और 17 में होता है होम रूल मूवमेंट। देयर टुक प्लेस सेकेंड इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इन फ्रीडम स्ट्रगल, होम रूल मूवमेंट डिमांड नाम ही है होम रूल मूवमेंट। सेल्फ रूल कहाँ से लिया गया, होम रूल की डिमांड। होम रूल मूवमेंट किस पे आधारित था, आयरिश होम रूल मूवमेंट पे आधारित था। सो डिमांड हमारी है सेल्फ रूल मेथड्स ऑर्गेनाइजिंग होम रूल लीग्स थ्रू आउट इंडिया टू एजुकेट एंड मोटिवेट मासेस फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। कैसे फ्रीडम स्ट्रगल का बेसिस वाइडन किया जाए, कैसे और लोगों को जोड़ा जाए, इस सोच के साथ एक पीसफुल मूवमेंट शुरू हुआ कॉल्ड होम रूल मूवमेंट। तो एनी बेसेंट और तिलक चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, पूरे भारत में वो शुरू करेंगे होम रूल लीग्स, और लीग्स लोगों को साथ जोड़ेंगी और उनको एजुकेट करेंगी कि ये भारत है, भारत की ये विशेषता है, ये हमारे ऊपर हो रहा है, आप लोग साथ आइए, ये भारत की अचीवमेंट्स हैं आज तक, बी मोटिवेटेड, सबड्यूड फील मत कीजिए, गुलामी फील मत कीजिए, आगे बढ़ के आइए।
ताकि सब लोग आएं और जो आधार है फ्रीडम स्ट्रगल का वो स्ट्रॉन्गर एंड वाइडन हो जाए। इस सोच के साथ एक पीसफुल मूवमेंट शुरू हुआ था कॉल्ड होम रूल मूवमेंट। इसके लीडर्स हैं एनी बेसेंट एंड तिलक। तिलक एंड एनी बेसेंट ने शुरू किया है एक होम रूल मूवमेंट। तो पूरे भारत में बनाई जाएंगी होम रूल लीग्स, उनके थ्रू लोगों को जोड़ा जाएगा फ्रीडम स्ट्रगल के साथ। तो तिलक एनी बेसेंट का मूवमेंट है होम रूल मूवमेंट। अब पूरे भारत में बनाई जा रही हैं होम रूल लीग्स। तो भारत को बांटा गया है दो हिस्सों में। एक हिस्से में तिलक काम करेंगे और एक हिस्से में बेसेंट काम करेंगी। तिलक्स होम रूल लीग, बेसेंट्स होम रूल लीग। मूवमेंट एक है, बस एरियाज डिवाइड कर लिए हैं। तिलक काम करेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंसेस और एक छोटा सा राज्य सेंट्रल इंडिया में हुआ करता था बरार। तिलक ने होम रूल मूवमेंट अपना चलाया है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड एक स्मॉल एरिया है बरार, वहाँ चला रहे हैं तिलक। तिलक के न्यूज़पेपर्स जो बड़े पॉपुलर हुए हैं इन दिनों वो थे केसरी एंड मराठा। इनके थ्रू तिलक लिखते हैं। केसरी मराठा, ये तिलक के दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं, केसरी मराठा। तिलक इन दिनों इनको निकाला करते हैं, पहले भी निकालते थे, अपनी बात को इन तक आगे पहुंचाया करते हैं। तिलक ने स्लोगन दिया है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, है ना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आई शैल हैव इट, उन्होंने बोला है उस मूवमेंट के दौरान। तो इन हिस्सों में तो तिलक की होम रूल लीग चलेगी, वहाँ लोगों को जोड़ा जाएगा और वो मेंबर्स बन जाएंगे बाकायदा होम रूल लीग के, मास बेस बन जाएगा। तो तिलक के न्यूज़पेपर बड़े पॉपुलर हुए थे केसरी और मराठा, और तिलक ने स्लोगन दिया है स्वराज माई बर्थ राइट, और अप्रैल 1916 में वो अपना मूवमेंट शुरू कर चुके हैं। तो तिलक अपना होम रूल लीग पहले ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। एनी बेसेंट ने रेस्ट ऑफ इंडिया में, बाकी हिस्से में एनी बेसेंट की होम रूल लीग चलती है, बाकी जितना भी एरिया है होम रूल लीग एनी बेसेंट की है। उनके न्यूज़पेपर हैं न्यू इंडिया जो बड़े पॉपुलर हुए हैं एंड कॉमन व्हील, सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर उनका कॉमन व्हील था, वो उसमें अपना लिखती हैं, प्रचार करती हैं। उनकी लीग को कुछ बड़े बड़े नेताओं ने ज्वाइन किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिन्ना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ज्वाइंट लीग ऑफ एनी बेसेंट। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंपॉर्टेंट लीडर्स ज्वाइंट द लीग ऑफ होम, तो एनी बेसेंट की लीग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन वाले वेटरन लीडर, उन्होंने ज्वाइन किया है। जिन्ना ज्वाइंट द लीग ऑफ एनी बेसेंट। जवाहरलाल नेहरू वॉज मेंबर ऑफ बोथ दिस एंड दिस। अभी वो नॉन एंटिटी हैं, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लीडर नहीं है, वो दोनों लीग्स में हैं। इस तरीके से ये पूरे भारत में होम रूल लीग चल रही हैं इसमें भारत में। तिलक के असिस्टेंट हैं एनसी केलकर, बैप्टिस्ट जॉर्ज अरुंडेल, ये इनके असिस्टेंट हैं, ये मूवमेंट चला रहे हैं। तो इस तरीके से ये मूवमेंट चल रहा है, पूरे साल ये चलता रहेगा। पीसफुली लोगों को जोड़ा जाएगा, मीटिंग्स होंगी, लेक्चर्स होंगे, लिटरेचर बांटा जाएगा, लोकल भाषा में बांटा जाएगा, ताकि लोग आगे बढ़ें, फ्रीडम स्ट्रगल में साथ दें। जब इस मूवमेंट की सक्सेस होती जा रही है, तभी अंग्रेज़ों ने इसकी सक्सेस को रोकने के लिए 1917 में एक अनाउंसमेंट कर डाला है, उसे कहते हैं अगस्त डिक्लेरेशन और मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। मॉन्टेग्यू भारत सचिव है, उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्टेटमेंट दिया है अगस्त 1917 में, इसलिए इसका नाम अगस्त डिक्लेरेशन भी है या मॉन्टेग्यू है।
वो कहता है कि इंडियन सेल्फ रूल मांग रहे हैं, ठीक है हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको ग्रेजुअल सेल्फ रूल देंगे। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भारत के लिए अनाउंसमेंट हुआ है कि दे आर रेडी टू गिव अस व्हाट, ग्रेजुअल सेल्फ रूल, हम आपको सेल्फ रूल देना शुरू करेंगे, फाइनली कब देंगे कमिट नहीं करते, लेकिन आपकी बात को मान लेते हैं कि यस इट इज़ द पॉलिसी ऑफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट दैट देयर विल बी अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। मतलब धीरे धीरे हम आपको सेल्फ रूल देने के लिए प्रॉमिस करते हैं, ऐसा उसने बोल दिया है, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन अगस्त 1917। इन दिनों तिलक को भी, जब ये मूवमेंट चल रहा था तो तिलक को भी कोर्ट के नोटिस वगैरह मिले हैं, तो तिलक को कोर्ट के कार्रवाई से बचने के लिए फिर बॉन्ड भरना पड़ा है, उन्होंने बॉन्ड भी भरा है। और जब तिलक की पैरवी हुई इन दिनों होम रूल मूवमेंट के दौरान, तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन अगर आ जाए, तिलक की पैरवी जिन्ना ने की थी, तो होम रूल मूवमेंट के दौरान जब तिलक को कोर्ट में पेश होना पड़ा था तो किसने पैरवी की, तो आप बोलेंगे जिन्ना ने, एज एडवोकेट जिन्ना ने उनको रिप्रेजेंट किया है, तो वो भी हुआ है। और इन दिनों फिर ये सब डेवलपमेंट होने लगते हैं, जब ये सब होने लगता है कि वो सेल्फ रूल देने की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे सेल्फ रूल दे देंगे, तो एनी बेसेंट थोड़ा सा हल्का सा वो अब थोड़ा डाउन हो गई हैं, अब वो थोड़ा सा यकीन कर रही हैं कि देखते हैं अंग्रेज़ों का क्या सेल्फ रूल देने का क्या उनका आइडिया है, लेट अस सी। तो थोड़ा सा ये देखने में आया कि एनी बेसेंट का स्टांस थोड़ा सा चेंज होता हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्टिव वो नहीं है। और आपको याद होगा इन्हीं दिनों शी बिकेम व्हाट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कलकत्ता सेशन हुआ है, इसी सक्सेस के दौरान उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। उधर तिलक भी इंग्लैंड चले गए हैं मुकदमा लड़ने, क्योंकि इंग्लैंड में किताब छपी है इंडियन अनरेस्ट, एक व्यक्ति है इंग्लैंड में वैलेंटाइन शिरोल, शिरोल ने किताब निकाली है इंग्लैंड में, और उसने बोला है, किताब का नाम है भारत में असंतोष, इंडियन अनरेस्ट, और उसने बोला है भारत में जितनी भी प्रॉब्लम है उसके फादर तिलक हैं, भारत में असंतोष के जनक तिलक हैं, तिलक को उसने बोला है किताब में, ही इज़ फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, हर प्रॉब्लम की जड़ तिलक हैं। अब तिलक को ऐसे किताब में बोल दिया गया है, लेकिन तिलक फिलहाल 1918 में इंडिया से चले जाएंगे, एंड ही विल फाइट अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट वैलेंटाइन शिरोल हु रोट द बुक इंडियन अनरेस्ट। एक डेढ़ साल वो रहेंगे, मुकदमा लड़ेंगे, मुकदमा मानहानि का मुकदमा उन्होंने किया है, फिर वहाँ रह के वापस आ जाएंगे। कुछ दिन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के हालात बन रहे हैं वो भी उसमें शामिल होंगे हालातों में, लेकिन 1920 में उनकी डेथ हो जाएगी, 1920 में। तो इसका मतलब होम रूल मूवमेंट तिलक का भी आखिरी मूवमेंट था। तो देखा गया कि इस पीरियड के दौरान दो इम्पॉर्टेंट लीडर हैं, तिलक इंग्लैंड चले गए हैं, एनी बेसेंट बहुत ज़्यादा नहीं एक्टिव हैं, वो इनको ट्रायल देना चाहती हैं अगस्त डिक्लेरेशन को। इस तरीके से इस फॉर्म में ख़त्म हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट फेज, इस फॉर्म में ख़त्म हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट फेज, और तिलक की आगे चल के डेथ हो जाएगी, तो वो पीरियड ख़त्म हो जाता है। एनी बेसेंट ग्रेजुअली काम करती रहेंगी, 1921 में वो फॉर्मली कांग्रेस को छोड़ भी देंगी, तो ये फेज खत्म हो जाता है कुछ इन दिनों। अब शुरू हो जाता है थर्ड फेज, गांधीयन फेज, 1918 से 1947 गांधीयन फेज, 9th January 1915 गांधीजी रिटर्न्ड फ्रॉम
साउथ अफ्रीका। गांधी जी एडवोकेट के तौर पे साउथ अफ्रीका चले गए थे, वहाँ पर एक कंपनी को रिप्रेजेंट करने गए थे, लेकिन बाद में एक साल बाद, कुछ समय बाद जब वो आने लगते हैं तो साउथ अफ्रीकन इंडियंस वहाँ रोक लेते हैं उन्हें। फिर वहाँ पे एक लंबी स्ट्रगल रहती है इंडियन के अधिकारों के लिए। तो लगभग 21 साल गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में काटे हैं, लेकिन जनवरी 9, 1915 को वो भारत वापस आ गए हैं। इसलिए इस दिन को उन NRI दिवस मनाया जाता है। द डे गांधी जी केम बैक टू इंडिया 9 जनवरी 1915, इस दिन को 2003 से मनाया जा रहा है NRI दिवस। ही केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए वो लड़ रहे थे। वहाँ पर जो रेशलिज्म होता है, वहाँ पर उन्होंने काम काफ़ी किया था, और वहाँ पर वो सारा डेवलपमेंट था। वहाँ पर जैसे यहाँ आश्रम है, वहाँ भी आश्रम थे, एवरीथिंग वॉज सिमिलर। वापस आ गए हैं। इससे पहले कभी क्वेश्चन आ जाए, द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस विच वॉज अटेंडेड बाई गांधी जी वॉज, तो आप ये नहीं बोलेंगे 1915 का सेशन। जो पहला कांग्रेस का सेशन गांधी जी ने जिसमें पार्टिसिपेट किया है, वो था 1901 का कलकत्ता सेशन। स्पेशली गांधी जी आए थे इंडिया और कांग्रेस को देखने की कांग्रेस कैसे काम करती है। तो द फर्स्ट सेशन इन विच गांधी जी पार्टिसिपेटेड वॉज कलकत्ता सेशन 1901 में। बाद में तो वो कांग्रेस के मेंबर ही बन जाएंगे, लेकिन पहला सेशन 1901 का था, 1915 का नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना पॉलिटिकल मेंटोर मानते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, हु वॉज गांधी जी पॉलिटिकल गुरु, तो आप बोलेंगे इट वॉज गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं, और 1905 में गोखले ने अपनी एक संस्था बनाई थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये एक स्वयं सेवकों की संस्था है, नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये 1905 में गोखले ने बनाई थी। तो गोखले ने गांधी जी को बोला है कि बहुत दिन बाद आप भारत आए हैं, तो पहले मेरा सुझाव ये है कि आप पहले भारत में इधर उधर जाइए, समझिए प्रॉब्लम्स क्या हैं, अभी आप एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट मत कीजिए। तो गांधी जी आ गए हैं और गांधी जी वॉज टूरिंग इंडिया, यहाँ वहाँ जाकर देख रहे हैं कि क्या हालात हैं, कैसे मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाऊँ। मतलब जब होम रूल मूवमेंट चल रहा है तब गांधी जी भारत में हैं, लेकिन गांधी जी का कोई रोल विशेष नहीं दिखाई देगा आपको उसमें। तो गांधी जी इज़ देयर, बट ही डिड नॉट प्ले एनी एक्टिव रोल इन द होम रूल मूवमेंट। मीनवाइल ही इज़ गोइंग हेयर एंड देयर टू स्टडी द कंडीशंस इन इंडिया। और ऐसा करते करते 1917 का समय आ जाएगा, गांधी जी अपना स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तभी कुछ ऐसे हालात आते हैं, गांधी जी जब लखनऊ में हैं तो उनको एक किसान अप्रोच करता है, चंपारण से आया है, उसका नाम राजकुमार शुक्ला है। अब वो कहता है कि आप लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं और हमारी एक समस्या है चंपारण में, तो आप आइए और हम लोगों को लीड कीजिए, हमारी एक प्रॉब्लम है। इस तरीके से गांधी जी कुछ लोकल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं 1917-18। तो गांधी जी के कुछ लोकल मूवमेंट्स, पहला मूवमेंट था बिहार में चंपारण सत्याग्रह। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गांधी जी वॉज चंपारण सत्याग्रह 1917, बिहार में चंपारण सत्याग्रह। इट वॉज रिलेटेड टू दोज फार्मर्स हु वर इन्वॉल्व्ड इन इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती है ना, नील की खेती की समस्या है, नील खेती करने वाले किसानों की ये समस्या है चंपारण में। इंडिगो, नील जो कपड़े में लगाई जाती है, कपड़ा सफ़ेद हो जाता है, नील, इंडिगो कल्टीवेशन सी समस्या है चंपारण की। हुआ ये है कि यहाँ पर अंग्रेज़ हुआ करते हैं, ब्रिटिश प्लांटर्स हैं, ये ठेकेदार हैं, और ये किसानों के उप साथ एक बॉन्ड साइन कर लेते हैं कि आपको नील की खेती करनी ही करनी है, खेत के इतने हिस्से पर आपको नील की खेती करनी है,
वो जबरन नील की खेती करवाते हैं भारतीय किसानों से। अब ये जो इंडिगो है ये यूरोप जाती है एक्सपोर्ट होती है, किसके लिए? सबसे बड़ा उद्योग क्या है यूरोप में? कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अब उन कपड़ों को रंगने के लिए जो ऑर्गेनिक डाई है वो भारत से जाती है। वो ऑर्गेनिक डाई का बेस क्या है? ये इंडिगो है। तो इस इंडिगो की बड़ी नीड है यूरोप की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और भारत की नील बड़ी सस्ती पड़ती है, बड़ी अच्छी भी है। तो ये लंबे समय से व्यापार चला रहा है और इससे एक्सपोर्ट से फ़ायदा बहुत होता है, लेकिन इन किसानों, इनको अंग्रेज ठेकेदारों को होता है, किसानों को नहीं होता। किसानों को तो उस जो जितने भी उगाते हैं उससे उनका पैसा भी नहीं निकलता है, और मजबूरी में वो करते हैं क्योंकि उनके ऊपर वो ज़बरदस्ती का बॉन्ड है। जब लगातार किसी खेत के हिस्से पर नील की खेती की जाए तो खेत की फर्टिलिटी भी ख़त्म हो जाती है, ये भी एक समस्या है। तो इन चीज़ों को जो लंबे समय से चली आ रही है, इसी चीज़ को लेकर वो जो किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, ये याद रखेंगे, राजकुमार शुक्ला मेट गांधी जी इन लखनऊ एंड नैरेटेड द होल थिंग एंड ही ब्रॉट गांधी जी टू चंपारण। तो राजकुमार शुक्ला के कहने पर गांधी जी चंपारण आ गए हैं और वहाँ इन नील खेती करने वाले किसानों की समस्या को उन्होंने डील करना शुरू किया है। यहाँ पर उनके साथ राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी दो और लीडर्स हैं, वो भी उनके सपोर्ट में रहेंगे, और भी लोग हैं, ये सब मिलके किसानों की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिहार की सरकार से भी बात करेंगे वहाँ पर, और इस तरीके से फाइनली फैसला ये होता है कि ये जो इंडिगो कल्टीवेशन का सिस्टम है ये एबॉलिश कर दिया जाता है और किसानों को फ्री कर दिया जाता है। और प्रॉब्लम क्या आई थी? प्रॉब्लम ये आई थी कि ये जो इंडिगो है इसका एक्सपोर्ट बंद हो गया था 1917 के आसपास। क्यों? क्योंकि जर्मनी में सिंथेटिक डाई आ गई थी, केमिकल डाई आ गई थी, और जब केमिकल डाई आ गई है तो भारतीय ऑर्गेनिक डाई की नीड नहीं है। जर्मनी में अच्छे अच्छे रंग बनने लगे हैं। अब जब ये एक्सपोर्ट बंद हो गया नील का, तो इनको बड़ी प्रॉब्लम हुई, ब्रिटिश प्लांटर्स को, इनका बड़ा नुकसान हुआ। तो इस नुकसान की भरपाई के लिए किसानों पर एक्स्ट्रा टैक्सेस डाल रहे थे कि आपको एक्स्ट्रा टैक्सेस देने पड़ेंगे तब हम बॉन्ड से आपको बरी करेंगे। किसान कह रहे थे कि जो फ़ायदा हुआ उसका तो आपने शेयर दिया नहीं और इसका हमसे भरपाई ले रहे हैं। तो समस्या ये थी कि वैसे तो ये नील की खेती अपने आप में समस्या थी, समस्या ये आ गई थी कि किसानों को ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा टैक्सेस देने पड़ रहे थे। तो फिर जब गांधी जी ने इसको मूवमेंट को लीड किया है, सत्याग्रह किया है, तब जाकर वो एक्स्ट्रा टैक्सेस जो किसानों से ले लिए गए थे उसका कुछ हिस्सा वापस करवाया गया, एक चौथाई एक्स्ट्रा टैक्सेस वापस हुए थे, ये फाइनल फैसला हुआ था और इंडिगो कल्टीवेशन का सिस्टम एबॉलिश कर दिया गया था। तो नील की खेती का सिस्टम ख़त्म हुआ यहाँ पर। तो ये पहली गांधी जी का मूवमेंट था जो इंडिगो फार्मर्स के लिए लड़ा गया था, और इस मूवमेंट की एक देन है, राजेंद्र प्रसाद वॉज इम्पॉर्टेंट लीडर, ही वॉज आउटकम ऑफ चंपारण सत्याग्रह। बिहार में किसानों की समस्या थी चंपारण सत्याग्रह। नील की खेती के सिस्टम को कहते थे तीन कठिया सिस्टम। तो कभी एक क्वेश्चन आ जाए कि बिहार चंपारण समस्या में किस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई थी, तो आप बोलेंगे तीन कठिया सिस्टम। काठी के तीसरे हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जबरन करनी पड़ती थी। तो ये एक नील की खेती की समस्या थी, इंडिगो कल्टीवेशन। और इंडिगो कल्टीवेशन से संबंधित उनके जो किसान हैं उनकी समस्या क्या है, किताब लिखी गई थी नील दर्पण किताब काफ़ी पहले लिखी गई है, इसमें किसानों की समस्या के बारे में बताया गया है, ठीक है, नील दर्पण। तो ये किसानों की समस्या से संबंधित किताब है। तो ये पहली इशू थी जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया है, चंपारण सत्याग्रह। दूसरे इश्यू जो गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया थी वो थी अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक।
अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक। यहाँ पर क्या है हुआ, यह है कि फेमिन कंडीशंस आ गई हैं, अकाल की स्थिति है, और अकाल की स्थिति में जो वर्कर्स हैं, जो कॉटन मिल हैं वहाँ पर, ये यहाँ से पलायन करने लगे हैं। प्लेग फैलता है, बीमारी होती है, जैसे एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, ऐसे एपिडेमिक फैलने लगा था वहाँ, तो प्लेग फैलने का डर है, तो मिल वर्कर्स वहाँ से जाने लगते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्लेग कंडीशंस, फेमिन कंडीशंस। तो उनको रोकने के लिए जो गुजराती मिल ओनर्स हैं, यहाँ की लड़ाई भारतीयों के साथ ही है, ये उनको रोकने के लिए कहते हैं, हम आपको बढ़ी हुई तनख्वाह देंगे, ज़्यादा सैलरी देंगे आपको। इसका नाम पड़ गया था प्लेग बोनस। मतलब अहमदाबाद की कॉटन मिल के जो मालिक थे, गुजराती मर्चेंट्स, उन्होंने 75% ज़्यादा बढ़ी हुई सैलरी आपको देंगे, जिसे प्लेग बोनस कहा जाएगा, ताकि आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, लेकिन रुक जाइए ताकि मिल चलती रहें। तो प्लेग बोनस दे दिया गया था, लेकिन हुआ क्या, ये हालात ठीक हो गए, फेमिन कंडीशंस ठीक हो गई। तो मिल ओनर्स ने क्या किया, उन्होंने इस बोनस को वापस ले लिया। उन्होंने कहा हालात ठीक हो गए, टेम्परेरी अरेंजमेंट था, ये इंटरिम अरेंजमेंट था, वो ख़त्म हो गया, अब आपसे वापस लिया जाता है बोनस। जब ये हुआ तो मिल वर्कर्स ने डिमांड किया कि प्लेग बोनस कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर के हालात हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हालात हैं, महंगाई बहुत है, ऐसे में अगर 75% ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50% तो बढ़ी हुई सैलरी हमको चाहिए ही चाहिए है। मतलब मिल वर्कर्स 50% बढ़ी हुई सैलरी मांग रहे हैं, मिल ओनर्स कुछ ज़्यादा देने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं ये तो टेम्प्रेरी अरेंजमेंट था। अब ये लड़ाई हो गई है बिटवीन मिल वर्कर्स एंड मिल ओनर्स के बीच की लड़ाई है। कॉटन मिल के वर्कर्स हैं, वो बढ़ी हुई तनख्वाह मांग रहे हैं, ये ज़्यादा देने को तैयार है नहीं। तो यहाँ पर फिर गांधी जी इंटरवीन करते हैं, मिल वर्कर्स की तरफ से आगे आते हैं, बात करते हैं। मिल ओनर्स कहते हैं चलो हम 20% बढ़ाकर दे देंगे, लेकिन वर्कर्स तो 50% से कम पे राजी है ही नहीं। गांधी जी मिल ओनर्स से कहते हैं कि भाई आप मान जाइए, वरना फिर कोर्ट चलते हैं, लेबर कोर्ट तय कर देगी कि कितनी सैलरी बढ़ी होनी चाहिए, बट मिल मालिक मानने को तैयार नहीं है। हैंस गांधी जी स्टार्टेड फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ वर्कर्स एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक। ये गांधी जी का पहला यूज था हंगर स्ट्राइक का भारत में, तो आप याद रखेंगे द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक डन बाई गांधी जी वॉज इन अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक। उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन बनाई है और फिर स्ट्राइक कर दिया, उन्होंने वर्कर से बोला है स्ट्राइक कर दो, इस तरीके से स्ट्राइक चली है। स्ट्राइक फिर फाइनली वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं, गांधी जी उसके लीडर हैं, फाइनली स्ट्राइक खत्म हो जाती है और वर्कर्स को 35% इंक्रीज वेजेस दिए जाते हैं, 50% तो नहीं, 35% इंक्रीज वेजेस लेबर कोड दे देती है, फिर इशू लेबर कोड जाती है। इस तरीके से जो सेकंड इशू थी वो मजदूरों की समस्या थी जो गांधी जी ने डील की है। इसका मतलब जो रियल इंडियंस थे, रियल मासेस थे, वो मजदूर और किसान थे, उनकी समस्याएं गांधी जी ने सबसे पहले डील की। तो ये कॉटन मिल्स की समस्या थी। दूसरी समस्या हंगर स्ट्राइक का पहला इस्तेमाल, और एक इशू और थी, वो थी गुजरात में ही खेड़ा, गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने किया है। खेड़ा की इशू काफ़ी पहले से ही चली आ रही थी, हालात वही थे कि अकाल की स्थिति है और देयर वॉज ड्रॉप इन क्रॉप प्रोडक्शन। खेड़ा क्षेत्र के किसान काफ़ी सफ़र कर गए हैं और खेती ज़्यादा नहीं हुई है, खेती ज़्यादा नहीं हो पाई है, इसलिए इस यहाँ के जो किसान हैं, खेड़ा के जो गुजरात में किसान हैं, ये सरकार से डिमांड कर रहे हैं। सरकार कौन सी है, गुजरात की ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये लड़ाई अंग्रेज़ों से है, चंपारण अंग्रेज़ों से थी ये, और जो अहमदाबाद थी वो किससे थी, भारतीयों से थी। ये डिमांड कर रहे हैं कि इस साल हमसे पैसा ना लिया जाए, है ना, हमको टैक्सेस से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, बिकॉज वी हैवेंट ग्रोन इनफ, इस साल ज़्यादा नहीं पैदा कर पाए हैं हम, टैक्स हमारा माफ़ कर दिया जाए। ये डिमांड कर रहे हैं गुजरात गवर्नमेंट से, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसी स्थिति के लिए हमारे पास एक लॉ है,
जिसे फेमिन कोड कहते हैं। हमारे पास एक कानून है इसके लिए, जब अकाल पड़ता है और खेती कम हो जाती है। फेमिन कोड कहता है अगर क्रॉप्स, खेती जो रेगुलर प्रोडक्शन होता है उसके 25% से कम चली जाए तो हम एग्जेम्पशन देते हैं। और हमारे रिकॉर्ड्स कह रहे हैं कि आप 25% से कम नहीं गए हैं, क्योंकि कानून अप्लाई नहीं होता, इसलिए आप सबको अपना पैसा देना पड़ेगा। किसान कह रहे हैं हमारी क्रॉप्स बर्बाद हो चुकी हैं। गवर्नमेंट कह रही है कानून है, कानून अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कहीं भी आप 25% रेगुलर प्रोडक्शन से कम नहीं गए हैं। ये समस्या है बिटवीन दिस, यहाँ खेड़ा में। इस समस्या को शुरू कर चुके, इस मूवमेंट को शुरू कर चुके हैं एक लोकल लीडर, मोहन लाल पांड्या। याद रखेंगे, खेड़ा सत्याग्रह वॉज नॉट स्टार्टेड बाई मोहनलाल गांधी जी और पटेल, इट वॉज मोहनलाल पांड्या। लेटर ऑन इसमें वल्लभ भाई पटेल जुड़ जाएंगे, और वल्लभ भाई पटेल जब इसे लीड कर रहे हैं तब आगे चल के आ जाते हैं गांधी जी। पटेल पहले से इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, लेकिन शुरू करने वाला लोकल लीडर था मोहनलाल पांड्या, याद रखना है ये। इस तरीके से यहाँ पर गांधी जी फिर पार्टिसिपेट करेंगे किसानों के बिहाफ पर, पटेल भी हैं। फाइनली फैसला ये होता है, सरकार भी मान जाती है, स्टडी होती है, पता लगता है कि कुछ किसान तो वाकई में बर्बाद हो गए हैं। तो जितने स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे किसान हैं, उनका पैसा माफ़ कर दिया गया है। सरकार ने बोल दिया है जो बड़े किसान दे सकते हैं उनसे ले लो, छोटे किसानों का पैसा माफ़ कर दो। इस तरीके से ये तीन लोकल इवेंट्स गांधी जी के पहले रहे, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा, किसान मजदूरों की समस्या। इनिशियली गांधी जी हैंडल्ड द इश्यूज ऑफ फार्मर्स एंड वर्कर्स, और इसी मूवमेंट से निकल के दो लीडर्स आते हैं, राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल। इस तरीके से ये ख़त्म हो जाता है और फिर अगला मूवमेंट शुरू होता है, दैट इज़ रॉलेट सत्याग्रह। दैट वॉज रॉलेट सत्याग्रह। द नेक्स्ट मूवमेंट विच गांधी जी स्टार्टेड वॉज रॉलेट सत्याग्रह। चलिए ठीक है, इसे यहीं रोकते हैं। अगले लेक्चर में रॉयल सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वराज पार्टी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक कंप्लीट करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही फिर मिलते हैं। थैंक यू।